हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन एक पेनफुल डिसीज है, तो आज हम वेरिकोज वेन के बारे में पूरी यहां पे चर्चा करेंगे। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आज मैं आपके सामने यहां पे आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा वेरिकोज वेन होने के कारण और उसका आयुर्वेद में क्या क्या समाधान अवेलेबल है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक जरूर से करें। दोस्तों, वेरिकोज वेन का डिसीज है। हमारे शरीर में जो वेन्स होती है वो पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर जाती है। जनरली जो वेन होती है उसमें वाल्व्स होते हैं। ये वाल्व्स होते हैं वो वन वे वाल्व होते हैं, ये ब्लड को बैकवर्ड आने से रोकते हैं। जनरली हमारे वेरिकोज वेन जिन लोगों को होता है उन लोगों के ये वाल्व्स जो है वो उनकी काम करने की जो क्रिया है वो खराब हो जाती है, मतलब वाल्व्स खराब हो जाते हैं। वाल्व खराब हो जाने की वजह से जो ब्लड नीचे की ओर गया है वो वापस ऊपर ना आने की जगह पे वो वेंस में कलेक्ट होने लगता है। ज्यादातर ये कहाँ पे होता है, हमारे हार्ट से जो सबसे दूर की साइट है वो हमारे लेग्स हैं। हमारे लेग्स की जो वेन है उसमें जो ब्लड जाता है वो वन वे वाल्व के थ्रू नीचे जाता है और ऊपर आता है। ये जो वाल्व खराब हो जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वेन में ब्लड जो नीचे जाता है वो प्रॉपरली ऊपर हार्ट तक नहीं आ पाता और वेन्स में बीच में कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे वेन्स फूल जाती है और इसे वेरिकोज वेन कहा जाता है। तो दोस्तों, वेरिकोज वेन का जो रोग है ये ज्यादातर किन लोगों में देखा जाता है, जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं उन लोगों में वेरिकोज वेन का रोग देखा जाता है यूजुअली, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, सोल्जर्स, ट्रैफिक पुलिस, व्हीकल पुलर्स, ड्राइवर्स, टीचर्स और हाउसवाइफ, जो लंबे समय तक किचन में काम करते हैं उन लोगों में ये रोग ज्यादा देखा जाता है। रिक्शा ड्राइवर्स में भी ये रोग देखा जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से इस रोग को शिराज ग्रंथि, यानी कि हमारी शिराओं में होने वाली ग्रंथि, शिराज ग्रंथि रोग कहा जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये रोग होने के क्या क्या कारण है। वेरिकोज वेन होने के कारणों में एक बहुत बड़ा कारण प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान ब्लड फ्लो वेन्स में अच्छे से नहीं होता और वाल्व खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेन में ब्लड लोअर लिम्स में कलेक्ट हो जाता है। दूसरा, मेनोपोज मतलब जब स्त्रियों में मासिक जाने का समय आता है उसे मेनोपोज कहा जाता है, और मेनोपोज के टाइम में भी वेरिकोज वेन होते हुए देखा जाता है। 50 साल की उम्र के बाद के लोगों में वेरिकोज वेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जो लोग मोटापे से पीड़ित है, ओबेसिटी के जो पेशेंट होते हैं, उन लोगों में वेरिकोज वेन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि मदर फादर को अगर फैमिली में जिनको वेरिकोज वेन की तकलीफ है तो उनके बच्चों में भी वेरिकोज वेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आयुर्वेद के हिसाब से वेरिकोज वेन होने के चांसेस क्या क्या है। आयुर्वेद के हिसाब से जो लोग कर्ड का ज्यादा सेवन यानी दही का ज्यादा सेवन करते हैं, यानी अभिसंधि आहार का सेवन ज्यादा करते हैं, जो लोग लस्सी ज्यादा खाते हैं, डीप फ्राई, नॉन वेज, जंक फूड, चाइनीज, ये सब फूड ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पानी ज्यादा पीते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, और जो ज्यादा लंबे समय तक ज्यादा लंबा चलते हैं वैसे लोगों को वेरिकोज वेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि वेरिकोज वेन होता है जिन लोगों को उनको क्या क्या सिम्टम्स यानी कि क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। वेरिकोज वेन जिन लोगों को होता है उन लोगों को अगर आप थाइज और काफ मसल्स पे, यानी कि आपकी जांघें और आपके जो काफ मसल्स हैं उस पे आप देखेंगे तो जो शिराएं हैं, जो वेन्स है वहां पे, वो ब्लूइश डिसकलरेशन की होती है और वो फूली हुई होती है। उसके आसपास काफी स्वेलिंग यानी कि सूजन होती है, वो पोर्शन उनको हैवी फील होता है, काफी मॉडरेट से लेके सीवियर पेन भी उसमें रहता है, और वेन्स हमको पूरी प्रोमिनेंट एनलार्ज दिखती है, जिसकी फोटो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। इस प्रकार का पिक्चर जनरेट होता है वेरिकोज वेन के पेशेंट्स में जनरली। दोस्तों उसमें एकिंग पेन यानी कि चुभने वाला दर्द आपको होता है, नमनेस, हैवीनेस, टायर्डनेस और डिसकलरेशन ऑफ वेन, इतनी चीजें आपको देखने को मिलती। अब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों को भी वेरिकोज वेन की शिकायत है उन लोगों को आयुर्वेद में
क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसकी बात करते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये एक वात डोमिनेंट डिसऑर्डर है, यानी कि वायु की प्रधानता वाला रोग है, जिसमें वायु और रक्त ये दोनों की वजह से ये रोग होता है। इसीलिए हम इसमें वात रक्त के हिसाब से चिकित्सा करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखें तो जिन लोगों को भी वेरिकोस वेन की तकलीफ है, वो वेरिकोस वेन वाले पार्ट पर अगर कपड़े को अच्छे से टाइटली रैप करके रखेंगे तो उसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको मिल सकता है। आयुर्वेद की एक बेहतरीन चिकित्सा है जिसे हम हमारी डे बाय डे प्रैक्टिस में हमारे क्लिनिक में इंप्लीमेंट करते हैं वेरिकोस वेन के पेशेंट्स में, जिसे शिरावेद कहा जाता है। शिरावेद का मतलब होता है कि जो वेन में वेरिकोसिटी डेवलप हुई है, जो वेन वेरिकोस वेन है उसकी जो नियर बाय साइट की जो वेन है वहां से हम नीडल के द्वारा ब्लड निकाल देते हैं, ये इसे शिरावेद कहा जाता है। शिरावेद की करने की वजह से जो ब्लड कलेक्शन वहां पे हुआ है वो ब्लड वहां से निकल जाता है, तो उससे काफी अच्छी रिलीफ होती है। उसके अलावा लीच थेरेपी भी हम करते हैं। लीच यानी कि जलोका करके जो एक छोटा सा इंसेक्ट आता है, उस लीच को हम पर्टिकुलर साइट पे जहां पे वेरिकोस वेन है वहां पे रखते हैं, तो लीच वहां से जो जमा हुआ खून है उसे निकाल लेती है, उसकी वजह से भी पेन में काफी रिलीफ होता हुआ देखा जाता है। उसके अलावा आयुर्वेद की ये वायु का डिसीज है, इसीलिए आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा बताई गई है। आप बस्ती चिकित्सा आपके नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर करवा सकते हैं, जिससे आपको वेरिकोस वेन में काफी अच्छा फायदा होता हुआ देखा जाता है। उसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो एक बेहतरीन आयुर्वेदिक हब मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा, कैशोर गूगल। जिन लोगों को भी वेरिकोस वेन की शिकायत है वो सुबह दोपहर शाम कैशोर गूगल की दो दो गोली खाना खाने के बाद चबा कर ले। जो लोग इसका रेगुलर सेवन करेंगे उन लोगों को पेन में काफी हद तक राहत मिलेगी, टेंडरनेस भी कम हो जाएगी। और एक आपको आयुर्वेदिक औषधि बता देता हूँ, गुड़ुच्यादि कषायम, गुड़ुच्यादि काढ़ा। गुड़ुच्यादि काढ़े का सेवन आप सुबह शाम खाली पेट 15-15 ml पानी में, गर्म गुनगुने पानी में मिक्स करके करिए, तो इससे भी आपको काफी अच्छा फायदा होगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी वेरिकोस वेन है उन लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने हैं, जैसे कि अब सोएंगे रात को तो उन लोगों को अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर करके एलिवेट करके सोना है, थोड़ी सी मॉडरेट एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करनी है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, और वेरिकोस वेन के जो सॉक्स आते हैं वो पहन के काम करना है ताकि आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ भी मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की वेरिकोस वेन के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप वेरिकोस वेन की ट्रीटमेंट हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।